Good morning class 6th students. So in today's video we are going to read about the motions of the earth. Okay students, so as you know there are three kinds of motions of the earth, but in your class, that means in class 6th, we are going to read about the two major motions of the earth. They are rotation and revolution. पृथ्वी की जो गतियाँ होती है वो दो तरह की होती है, यानी अर्थ की जो स्पीड से आप मोशन आप बोल दीजिए, वो दो तरह से मूव करती है. टू टाइप्स के अर्थ के मूवमेंट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, वो होते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं, व्हाट आर दीज एंड इन व्हाट मैनर दे ऑकर. ओके, ये कैसे संपन्न होते हैं एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज मोशंस ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ. अर्थ के इन मोशंस का अर्थ पर क्या असर होता है या इफेक्ट होता है. सो इन दिस इमेज यू मे सी टू डायग्राम्स आर गिवन. आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अर्थ दिखाई गई है ब्लू कलर से, वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट कर रही है, और उसके अपोजिट मैंने लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ जो है दिखाई, और येलो कलर से ये जो डायग्राम है एलिप्टिकल पाथ दिखा गया, सन और सन के आसपास ये छोटी सी ब्लू कलर की अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है. ओके, यानी रोटेशन जो होता है वो अर्थ का अपनी प्लेस पर होता है, और रिवॉल्यूशन मतलब अपनी प्लेस से हटते हुए होता है. ओके, और रिवॉल्यूशन जो होता है वो सन के आसपास होता है. ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ का एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, एक एलिप्टिकल पाथ होता है. ये जो लाइन दिख रही है आपको सूरज के आसपास येलो कलर्ड, सन के आसपास, ओके, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको. ओके, और रोटेशन जो होता है वो जो है वो अर्थ अपनी और ऑर्बिट पे करती है. किस पर करती है, ऑर्बिट पर, और रोटेशन जो होता है वो एक्सिस पर होता है. तो अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करती है, रोटेशन, ये ब्लू कलर वाला राइट हैंड साइड पर, और रिवॉल्यूशन किस पर करती है, ऑर्बिट पर करती है. ठीक है, अब ड्यू टू रोटेशन क्या होता है अर्थ पर, डे एंड नाइट होते हैं. ओके, रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. इसमें कितने टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स. ओके, रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. ओके, और कितने दिन, एक दिन. ठीक है, 24 आवर्स एंड 1 डे. और रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, अराउंड द सन जो है अर्थ को कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन करने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स, इतना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, या यूँ बोल दीजिए 1 ईयर. ओके, 1 ईयर एंड 1/4 डे, इतना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन का. और एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, सो रिवॉल्यूशन कॉजेस इस सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ. आपको दिख रहा है नीचे, समर, विंटर, स्प्रिंग, लीव्स फॉल, मैंने आप बोल सकते हैं स्प्रिंग सीजन, ये सारे जो है, सॉरी मैंने कहने का मतलब जो है जो भी वेदर कंडीशंस में चेंजेस आते हैं वो, या सीजनल चेंजेस आते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं. नाउ हियर इन दिस इमेज अगेन यू मे सी. ओके, तो अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है, या स्पिन या टर्न हो जाती है, एक बार टर्न करके आगे बढ़ जाती है, इसमें वो 24 आवर्स या 1 डे का टाइम लेती है, और ड्यू टू दिस डे और नाइट होते हैं. और अर्थ अगर सूरज के आसपास चक्कर लगाती है ऐसे स्पिन करते करते, टर्न करते करते, तो वो जो है एक रिवॉल्यूशन है, एक चक्कर या एक राउंड जो है पूरा कर लेती है सूरज के आसपास, दैट इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन, और दिस मोशन इज कॉल्ड रिवॉल्व. ठीक है, इट टेक्स 365 डेज और 1 ईयर वी कैन से, एंड इट कॉजेज सीजनल चेंजेस ऑन दी अर्थ. नाउ डे एंड नाइट अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में देयर इजंट डे ऑकर एट द सेम टाइम, यानी पूरी दुनिया में एक साथ दिन नहीं होता है, पूरे अर्थ पर एट अ टाइम यानी एक साथ जो है दिन नहीं होता, यानी अर्थ का हाफ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर डे होता है, तो उसी ठीक उसी दौरान उसके अपोजिट वाले पोर्शन में जो है क्या होता है, नाइट होता है. यू मे सी विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज. ओके स्टूडेंट, फिर क्या होता है, ये नाइट वाला पोर्शन जो है अगेन यहाँ आ जाता है डे वाले पोर्शन की जगह, और डे वाला पोर्शन नाइट वाले पोर्शन की जगह चला जाता है.
ऐसा होने में जो है 12-12 घंटे का ये शेड्यूल है, पर ऐसा नहीं होता है कि 12 घंटे में ये एक साथ, मतलब कहने का मतलब 12 आवर्स में 12 घंटे में ये एकदम अपोजिट हो जाते, ऐसा नहीं होता है। अर्थ रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पर, और कोई पार्टिकुलर प्लेस जो है वो सूरज के सामने 24 घंटे में एक बार आता है। अर्थ पर कोई भी प्लेस हो 24 आवर्स में जो है सन के सामने आता है एक बार। ओके, यानी कहने का मतलब एक बार तो वो प्लेस सामने आ रहा है, प्लस वो उस प्लेस पर जो सामने आया है 24 आवर्स में एक बार सूरज के, वो प्लेस जो है वहाँ वो कम से कम कितने, मिनिमम कितना, 12 आवर्स जो है डे लाइट यानी दिन की रोशनी उस पर रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, जैसे सुबह के टाइम में कम रहेगी, दोपहर में ज़्यादा, फिर शाम को और कम हो जाए, ऐसे। यानी कहने का मतलब किसी प्लेस पर लाइट तो रहती है लगभग 12 घंटे, यानी वहाँ पर दिन होता है, और जो है वो प्लेस जो है, कहने का मतलब जो हर प्लेस जो है अर्थ पर जो है एक बार सूरज के सामने जरूर आता है एक दिन में। एक दिन का मतलब यहाँ पर 24 घंटे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12 आवर्स है यानी 12 घंटे, और वन कंप्लीट डे का मतलब हो गया डे प्लस नाइट यानी 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स यानी 24 आवर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज रिटन द अर्थ हैज टू सॉर्ट्स ऑफ मोमेंट्स, यानी अर्थ के मोमेंट्स दो तरह के होते हैं, इन पार्टिकुलर पिवट और अनरेस्ट। ओके, रोटेशन इज द, अब वो कौन कौन से हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स हब, डेज एंड नाइट्स हैपन ड्यू टू टर्न। अब रोटेशन जो होते हैं वो अर्थ के इसकी एक्सिस पर होते हैं, इसके बेस पर होते हैं, और जो है ये इनकी वजह से दिन और रात होते हैं ड्यू टू रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सेटल्ड वे ऑफ सर्कल, और सर्कल किसी सर्कल पर एक सर्कुलर पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं उसको या ऑर्बिट बोलते हैं अर्थ की, उस पर जो है बीच में सूरज होता है और आसपास जो है उस एलिप्टिकल पाथ पर जो है अर्थ मूव करती है। ये जो मूवमेंट है अर्थ का अराउंड द सन इट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। अपसेट कॉसेस द डिफरेंस इन सीजन। ओके, एंड इसकी वजह से जो है अर्थ पर क्या होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, लाइक विंटर सीजन, रेनी सीजन। ओके, अभी रेनी सीजन चल रहा है, इससे पहले समर सीजन था, और अब जो है रेनी सीजन अभी चल रहा है तो बाद में विंटर सीजन आ जाएगा। तो ये सीजनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं अर्थ पर, ड्यू टू द रिवोल्यूशन। ओके, क्योंकि हमारी अर्थ रिवोल्व करती है अराउंड द सन यानी सूरज के आसपास। ओके, द पिवट ऑफ द अर्थ विच इज अ फैंसीफुल लाइन हैज एन एज ऑफ विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके, नाउ द सर्कल दैट पार्टीशन द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज द हावर ऑफ एनलाइटमेंट या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी वो सर्कल यानी वो जगह अर्थ पर जहाँ जो बिल्कुल डिवाइड कर रही है कि उस सर्कल के इस पार जो है सारी जगहों पे रात है और इस पार जो है सारी जगहों पर दिन है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, होवर ऑफ एनलाइटमेंट और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। होवर ऑफ एनलाइटमेंट और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जनरली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ यू मे सी द सेकंड मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स सर्कल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द सेकंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स सर्कल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, यानी रिवोल्यूशन को जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, रिवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इट टेक्स 6 आवर्स यानी 1 ईयर टू रोटेट अराउंड द सन। यहाँ पर थोड़ा मिस लिखा है, इसमें लगते हैं कितने, 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी इट टेक्स 6 आवर्स 1 ईयर, यानी एक साल और 6 घंटे का समय ये लेती है, टाइम लेती है टू रोटेट अराउंड द सन, यानी सूरज के आसपास रोटेट करने। ओके, सूरज के आसपास रोटेट करना, अगर और अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। वी कंसिडर अ ईयर एज कंप्राइजिंग ऑफ 365 डेज जस्ट एंड डिसरिगार्ड 6 आवर्स फॉर कम्फर्ट। हम एक साल में जो है 365 डेज ही काउंट करते हैं, जो 6 आवर्स बचते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कैलेंडर जो है वो बनाने में डिफ़िकल्टीज हमें ना हो। तो फिर वो 6 आवर्स का क्या होता है, वो जो 6 आवर्स होते हैं वो 6 प्लस नेक्स्ट ईयर के 6 प्लस नेक्स्ट ईयर के 6 प्लस नेक्स्ट ईयर के 6, यानी एवरी फोर्थ ईयर जो है ये 6 आवर्स जो है 6 4 24 यानी 24 घंटे में बदल जाते हैं, और 24 आवर्स का
एक दिन होता है, वन डे होता है, वी ऑल नो। और ये वन जो एक्स्ट्रा डे है, एडिशनल डे जो बना है 66 hours की हेल्प मैंने ड्यू टू दैट, वो जो है किस में इंक्लूड कर लिया जाता है, लीप ईयर में इंक्लूड किया, यानी फेब्रुअरी मंथ में जो है उसको डाल दिया जाता है। और उस साल इन दैट ईयर फेब्रुअरी जो है मंथ जो होता है उसमें 29 डेज हो जाते हैं, और ईयर में भी वन डे बढ़ जाता है, और जो है ईयर में कितने डे हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, एंड द ईयर इज नोन एज लीप ईयर। उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर इज रिटर्न, रीड हेयर, 6 hours स्पेयर्ड, यानी जो एक्स्ट्रा जो 6 घंटे होते हैं ईच ईयर हर साल के, आर प्रोबेबली गोइंग टू मेक वन डे, ये भी एक दिन बनाते हैं, ओवर ट्रेवर्स ऑफ आर ईयर, दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ फेब्रुअरी। ओके, एवरी फोर्थ ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज रेदर देन 28 डेज, दिस ईयर विद 366 डेज इज नोन एज अ जंप ईयर। ओके नाउ, और इसे जो है क्या कहते हैं, जंप ईयर या लीप ईयर भी बोलते हैं। द अर्थ सर्कमवेंट्स द सन इन अ कर्व्ड लाइन, अर्थ जो है सूरज के आसपास एक कर्व्ड लाइन में जो है वो मूव करती है, या एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। द इवनिंग्स आर लॉन्गर देन द डेज इन विंटर, यानी द इवनिंग्स आर लॉन्गर देन द डेज इन विंटर सीजन। समर सीजन में क्या होता है कि जो है शाम जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, संध्या अवधि जो होती है बड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में, विंटर सीजन के कंपैरिजन। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर सोल्स्टिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस। ओके, क्या बोल रहे हैं, द इवनिंग आर लॉन्गर देन द डेज, कि शाम बड़ी होती है दिन की तुलना में, ठीक है, इवनिंग टाइम ज़्यादा होता है डे टाइम की कंपैरिजन में, कब, विंटर सीजन में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर, और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ की इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस। ओके स्टूडेंट्स, हियर यू मे सी, ये रोटेशन का आप देखिए, रोटेशन अर्थ जो है अपनी टिल्ट एक्सिस 23.45 पर जो है ये टिल्ट यानी झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ इक्वेटर, हियर यू मे सी दीज डायग्राम्स ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट दिस, ओके, इन डिटेल, एंड प्लीज रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक टू गेट दिस चैप्टर इन अ बेटर वे। ओके, थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप अ मैसेज इन माई मैसेज बॉक्स।